खबर बस्तर से, जहां प्रदेश के बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई ताकि बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हो, लेकिन यहां 60% स्कूलों में मध्याह्न भोजन बंद है। विकासखंड पीओ बलराम बघेल ने बताया कि विकासखंड में 347 प्राथमिक शाला, 182 माध्यमिक शाला में मध्याह्न भोजन का संचालन किया जा रहा है, लेकिन प्रदेश में रसोईया संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने से बस्तर के स्कूली बच्चे मध्याह्न भोजन से पूरी तरह वंचित हो गए हैं, जिससे बच्चों के स्कूल पहुंचने की संख्या में भी कमी हो रही है। ऐसे में कुपोषण को किस तरह से दूर किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। जिला प्रशासन मध्याह्न भोजन को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहा है। मध्याह्न भोजन रसोईयों का हड़ताल होने के कारण नहीं बन पा रहा है, और समूह से हमने बात किया तो जो समूह के संचालन करता है वो बोले कि इतने एक हमारे यहाँ 184 बच्चे हैं, उनमें से उसमें से कम से कम 150 के आसपास आते हैं, 140 के आसपास संचालित होना है। चूंकि रसोईया के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले जाने से लगभग हमारे 60% स्कूलों में मध्याह्न भोजन बंद है। मध्याह्न भोजन इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि रसोईया लोग हड़ताल में गए हैं, इस कारण से मध्याह्न भोजन नहीं बन रहा। इसके अलावा सर विकल्प ये था कि समूह वाले को बोल के देखिए, तो समूह वाले का कहना है कि रसोईया लोग रसोईया हड़ताल बैठक में थे, बैठक बनाए थे, तो बैठक के दौरान उनको ये बोला गया है कि कोई भी समूह वाला खाना नहीं बनाएंगे।